कश्मीरी पंडितों के दुख दर्द को बयां करती कश्मीर फाइल्स आप सबने देखी है और आपको गुस्सा भी आया होगा उस दौर की भीषण त्रासदी पर, मौन सत्ता पर। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे जोशीले राष्ट्रभक्त कवि के बारे में जो बीते कई वर्षों से देश भर में अपनी कविताओं में कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां कर रहा है। 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए, 10-20 हजार लोग नहीं सर, 7 लाख लोग। कि मैं यदि सहिष्णु ना होता कश्मीर में काटा ना जाता, मैं यदि सहिष्णु ना होता कश्मीर में काटा ना जाता, मैं यदि सहिष्णु ना होता ये भारत बांटा ना जाता, मैं यदि सहिष्णु ना होता गुरुओं पर वार नहीं होते, आर्वर्तित भारत के टुकड़े हर बार नहीं होते। कि मैं यदि सहिष्णु ना होता तो कोई कलंकी ना कहता, संसद के गलिहारे में भगवा आतंकी ना कहता, मैं यदि सहिष्णु ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते, मैं यदि सहिष्णु ना होता तंबू में राम नहीं होते। धन्यवाद। सुना आपने, अपनी धारदार ओजस्वी कविता के माध्यम से कश्मीरी पंडितों की दशा, या यूं कहें कि दुर्दशा को आम जनता के बीच पहुंचा रहा है ये प्रतिभाशाली युवा। इनका नाम होता है कवि अमित शर्मा। आप भी आगे सुनिए इनकी कविता का यह अंश। 1200 साल गुलाम हम इसलिए नहीं रहे कि हमारे पास अहिंसा थी, 1200 साल गुलाम हम इसलिए रहे क्योंकि हमारे पास अहिंसा थी, उनके पास हथियार थे। ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है, जो शीश काटते दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है। 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए, 10-20 हजार लोग नहीं सर, 7 लाख लोग। 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए, अरे तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए, माँ को काटा बहन को लूटा वो चुपचाप खड़े रहे, कोठी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। अरे पंडितों सागर से बहती पतवार उठा लेते, अरे पंडितों सागर से बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। क्या बात है। अरे पंडितों सागर से बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते, दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम, केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम, दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम, केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम, पाक का झंडा ना होता, अरे पाक का झंडा ना होता इस हिंदुस्तान की माटी में, पाक का झंडा ना होता, पाक का झंडा ना होता इस हिंदुस्तान की माटी में, हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी में। जब कोई नहीं बोलता था, सबने इस घटना पर मौन साध रखा था, जिम्मेदार लोग खामोश बैठे थे, तब से ये युवा राष्ट्रभक्त अपनी कविता से कश्मीर के हाल को आम जनता को बता रहा था। सच कहूं तो असली कश्मीर फाइल्स आज नहीं, 10 वर्ष पहले ही कवि अमित शर्मा की कविताओं में रिलीज हो गई थी।